स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर बार बिलासपुर में, जहां पर आप लोगों को मिलता है बेस्ट डील्स ऑन प्रॉपर्टीज। मैं हूं राजकरण, चलिए आप लोगों को दिखाता हूं आज का बेस्ट डील। तो अभी हम लोग फिलहाल प्रॉपर्टी के पोर्च में खड़े हैं, और जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, डिटेल्स देने से पहले प्रॉपर्टी का लोकेशन मैं आप लोग बता देता हूँ। ये आपका मोका रामकृष्ण नगर में बेस्ड प्रॉपर्टी है। ये आपका 1000 स्क्वायर फीट, इसका जो टोटल प्लॉट साइज है वो 1000 स्क्वायर फीट है, और देख सकते हैं हम अभी फिलहाल पोर्च में खड़े हैं। और इस घर को देखने के बाद मैंने इस घर का जो नाम दिया है वो मैंने दिया है शीश महल, क्योंकि इसका जो अभी मैं आपको इंटीरियर दिखाऊंगा, वैसे एक्सटीरियर से ही समझ में आने लगता है कि इसका मैं नाम शीश महल क्यों दिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें पेंट कवर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें वॉल्स में आप देख सकते हैं ऊपर तक आपका पूरा टाइल्स लगा हुआ है, और बहुत प्यारे टाइल्स लगे हुए हैं। टाइलिंग का काम बहुत अच्छा किया गया है। यहाँ पर पोर्च में ही आपको ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ मिलती हैं, जो आप इधर दिखाएंगे थोड़ा दिखेगा अच्छे से, वहां से दिखाएंगे तो ऊपर जाने वाली यहाँ सीढ़ियां हैं, जो कि पूरी देख सकते हैं मार्बल ग्रेनाइट वगैरह का पूरा काम किया गया है, बहुत सुंदर काम किया गया है, और ऊपर तक पूरी टाइलिंग का काम किया गया है। और साथ ही में आपको बाहर में एक कॉमन बाथरूम भी मिल जाता है, जो कि वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम है, और साइड में आपका एक छोटा सा बेसिन। तो पोर्च को ही इतना सुंदर बनाया गया है कि अंदर तो आप समझ सकते हैं कि कितना और सुंदर होगा। तो चलिए आइए प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं। तो ये हमारा हॉल है, हॉल की टाइलिंग आप देख सकते हैं, पूरा थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का लुक बनाया गया है। क्या है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है व्हाइट टाइल्स लगाना या मार्बल लगाना, लेकिन इसका जो टाइलिंग आप देख सकते हैं नीचे में थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ लुक में बनाया गया है। और वॉल्स में जैसे कि मैंने बाहर बताया, पेंटिंग का झमेला ही झंझट ही खत्म है, ऊपर तक पूरा टाइलिंग लगाया गया है। और टाइल सिर्फ एक सिंपल टाइल्स नहीं, नीचे पूरा एक बॉर्डर के साथ में पूरा टाइल्स लगाया गया है। ये आप एक डाउन टाइल्स अलग है, मिडिल टाइल्स अलग है, ऊपर जो अपर टाइल्स वो अलग है, और साथ में पूरा एक बॉर्डर दिया गया है पूरे घर में। और विंडोज वगैरह में भी पूरा आपका यहाँ पे टाइलिंग का काम किया गया है। तीन आप पूरा हॉल, हॉल में यहाँ आपका बेसिन देख सकते, बहुत प्यारा सा एक बेसिन। और अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर, देख सकते हैं आपका जो लॉक है वो भी शानदार खर्चा किया गया भाई साहब, बोला जाता है सीधी बात। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम, और फर्स्ट बेडरूम में ऊपर में आपका यहाँ पे स्टोरेज के लिए पूरा आपका यूनिट बनाया गया, जिसको पूरा कवर सिस्टम से पैक कर दिया गया है। और ऊपर फॉल सीलिंग है, पूरा व्हाइट वॉश है, विंडोज पे आपका पूरा टाइलिंग का काम है, प्लस आपका यहाँ पे एक छोटा बाथरूम है। ये हमारा हो गया फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम की सेम है, साइज दोनों का सेम है। हाँ, यहाँ पर आपका ऊपर पॉसरी प्लस साथ में छोटा रैक बनाया गया पूरा, जहां पर आप अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक बड़े साइज का अटैच बाथरूम है। अब हॉल से ही लगा हुआ आपका किचन, किचन भी देख सकते हैं, सेमी मॉड्यूलर किचन यहाँ पे बनाया गया है। नीचे में पूरा आपका कवर सिस्टम से पूरा पैक किया गया है। लुक देखिए, पूरा टाइलिंग ग्रेनाइट यहाँ पे लगाया गया है, और इसमें भी पूरा टाइल्स आपका, इस रूम में तो आपको ऊपर तक पूरे टाइल्स मिलते हैं, पूरा ऊपर तक पूरा टाइल्स का काम किया गया है, कहीं पर भी इसमें दीवार नहीं है। यहाँ पर आपका विंडो है, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, प्रॉपर्टी पूरा मैंने आपको दिखाया, और अब मैं प्रॉपर्टी का आप लोगों को डिटेल्स बता देता हूं कि ये प्रॉपर्टी आपको कितने बजट की प्रॉपर्टी है। और थोड़ा सा एरिया मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, ये आपका मोका में है, रामकृष्ण नगर में है, और जो इसका बजट है ये आपका
42 लाख है। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो यहाँ पे नीचे नंबर स्टोर हो रहे होंगे, उन नंबरों पर हमें कॉल करके इस प्रॉपर्टी के डिटेल्स ले सकते हैं या फिर इस प्रॉपर्टी में विजिट कर सकते हैं। तो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आने वाली फ्यूचर प्रॉपर्टीज के लिए। और आप लोगों मन में जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।